हाँ बिल्कुल मत काम किया आपने बढ़िया। आदरणीय बंधुओं, अभी तक आप मनुष्यों से कविताएं सुन रहे थे, अब आपके सामने आपके परिवार का सदस्य आ गया है। जहां नीलकंठ हो तो वहां सांड का रहना तो जरूरी है। और नगरों में देव किंतु यहां महादेव, और नगरों में देव किंतु यहां महादेव, इन्हीं महादेव ने ये नगर बसाया है। आनंद बन यह महाशमशान भूमि, सभी यहाँ अपने हैं कोई न पराया है। माई अन्नपूर्णा परोसती खिलाती, जहाँ योगियों और फक्कड़ों पे चलती न माया है। रह शिवनंगा जहाँ बहती है गंगा, यहाँ साण जैसा कभी आज यहाँ चला आया है। साण जैसा कभी तो बंधुओं यहाँ जितने कभी आए हैं सब बहुत विदेशों की यात्रा किए हुए। हमें भी सौभाग्य मिला अमेरिका जाने का। जब मैं पहली बार अमेरिका गया था तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, जो 110 मंजिल बिल्डिंग थी, उस पर मैं चढ़ गया था। 6 महीने के बाद धराशाही हो गया। लोग कहने लगे कि क्या गुरु आप कैसे चढ़े। तो मैंने कहा भाई मैं बाबा का वाहन हूँ, सांड हूँ, ऐसी इससे भी बड़ी बिल्डिंग होती वो भी धराशाई होती। बंधुओं सुनिए कि सेंट्रल ट्रेड में आग लगी, सेंट्रल ट्रेड में आग लगी, 7 मंजिला बिल्डिंग झूल गई है। ओ बैरी की हिम्मत देख बढ़ी, अमेरिका की सांस भी फूल गई है। सारा घमंड है चूर हुआ, गरिमा महिमा सब धूल भई है। ओ जैसे को तैसा मिला, अमेरिका की दादागिरी सब भूल गई है। भारत तो रोता रहा कई साल से, आतंकवादी सताए रहे हैं। सब अमरीकी उपासक शासक मेरा ही दोष बताए रहे हैं। क्लिंटन से कर जोर कहा, पर क्लिंटन भी असहाय रहे हैं। अबूस में घुस गया जब मूस तो बाप रे बाप चिल्लाए रहे हैं। छोटा सा मुल्क तालिबान क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैं उस पर चढ़ गया था सलीम भाई, कि आपका साल जहां भी पहुंचता है होता है दिव्य वहां का नजारा। आपका साल जहां भी पहुंचता है होता है दिव्य वहां का नजारा। हुंकारता है फुंकारता है, हुरपेटता है यह साल करारा। काशी का साल अमरीका में जाए के सेंटर टावर में सिंह मारा। 7 मंजिला बिल्डिंग ध्वस्त हुई, बदनाम हुआ ला देन बेचारा। बंधुओं देश विदेश की यात्रा बाबा भोलेनाथ की कृपा और आप सब लोगों के प्रेम से हमेशा घूमता रहा। जैसा फैसला आया तो मैं बता रहा हूं कि मस्जिद में आप अजान करो और मंदिर में सब पूजा करेगा। अजान भी कान में गूंजा करेगी और घंटा और शंख भी गूंजा करेगा। वाद विवाद खत्म करो सारा, अपवाद नहीं कोई दूजा करेगा। और बाकी जमीन पट्टा करो साल को, घास चरे शिव की पूजा करेगा। तो बंधुओं आज कवि सम्मेलन बहुत ही अच्छा हुआ, और आलोक भाई और नीलकंठ जी यहाँ बैठे रहे इसलिए ये कवि सम्मेलन सफल हुआ। मैं सुनील जोगी, सुरेश अवस्थी सरदार जी और डॉक्टर सुमन दुबे चौबे जी, जितने भी कवि आए बंधुओं, आज बड़ा आनंद आया। थोड़ी संख्या जरूर कम थी, लेकिन आप उनमें ऐसा कवि सम्मेलन का माने ऐसा कुछ उसका वर्णन कर नहीं सकता। मैं ददरी के मेले में वहाँ 12
मधुमक्खी के मेले में, ऐसे ऐसे जगह जहां लाखों लाखों की भीड़ होती थी, लेकिन इतना अच्छा आनंद नहीं आता था। मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने इस कवि सम्मेलन को सफल बनाया। मैं कवियों को जो बाहर से आए हैं, मैं उन्हें धन्यवाद दे रहा हूं कि ऐसे ही एक कवि सम्मेलन कुछ दिन के लिए स्थगित हो रहा है। इसी शब्दों के साथ मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। बस चार लाइन मैंने आज लिखने का प्रयास किया, सुन ले, मैं तो ये सुनाना ही भूल गया कि जो शिव की नगरी का निवासी है, बाबा का है प्रिय साच रहा है, पीकर भंग तरंगित हो भक्ति हर कोई भी जाच रहा है, हूँ मद मस्त चढ़ा फगुआ मन मेरा उमंगित नाच रहा है भोले बाबा जी की महिमा कविता यहाँ साल भी बाच रहा है। तो बंधुओं, ये बाबा की कृपा है। मैं तो उस जमाने का कवि हूं जब शब्द दिए जाते थे, समस्या दी जाती थी। एक बार समस्या दी गई कि पानी नहीं है, होली का मौसम था, लोगों ने कहा अपने अपने ढंग से उसको सुनाया। मैंने सुनाया कि अली पंकज अंक में सोए अभी, अली पंकज अंक में सोए अभी, अभी झाकती है उषा रानी नहीं, अभी शंख बजे नहीं मंदिर में, अभी आई अजान की बानी नहीं, अभी भंगिनी झाड़ू है देती नहीं, अभी काग की बोली सुनानी नहीं, अभी सोए रहो न उठो सजना, अभी आया है बम्बे में पानी नहीं। तो बंधु, उस वक्त 4 बजे भोर में पानी आता था हम लोगों के जमाने में। आज कविता सुनाते सुनाते 60 वर्ष बीत गया। मैं आप सब लोगों को साधुवाद धन्यवाद दे रहा हूं कि इस नगर का इतना अच्छा नेता आपने चुना है। मैं इन्हें दीर्घायु, इनके परिवार को सुखमय बनाने के लिए आशीर्वाद देते हुए इसी शब्दों के साथ मैं कविता को विराम दे रहा हूं। धन्यवाद।